हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी दोस्तों? बहुत बढ़िया होंगे। आज हम लोग दोस्तों प्रतिस्थापन की विधि का छिल्ला लेक्चर ले रहे हैं। हम दोस्तों कल यानी मंगलवार के दिन सुबह 10 बजे इसकी एग्ज़ाम लेने वाले हैं, जिसमें 15 नंबर का पेपर होगा। एक सवाल होगा दोस्तों हमारा विलोपन की विधि का, दो सवाल ब्रज गुणनफल की विधि के, और दो सवाल बेटा प्रतिस्थापन की विधि से होंगे। यानी मेरे दोस्तों प्यारे प्यारे, ये ध्यान रखना, होमवर्क में से कुछ नकल मार के मत लिखना। 15 नंबर का है, आधे घंटे का समय आपको नहीं मिलेगा, 45 मिनट मिलेगी इस बार, क्योंकि दोस्तों पेपर में थोड़ा टाइम लग जाता है, मैं जानता हूँ। और दोस्तों चालू करो इसके साथ में प्रतिस्थापन की विधि। ये चैप्टर यहाँ फिनिश हो रहा है, हम परसों से दोस्तों यानी बुधवार से नया चैप्टर चालू करने वाले हैं। इसलिए आपके जो भी दोस्त अभी तक इसमें नहीं जुड़े हैं और जो जुड़ना चाहते हैं, उन सभी को बोलिएगा कि पार्ट 15 संभावना प्रायिकता चालू होने वाली है, और वो लोग अगर जुड़ेंगे तो बहुत अच्छा है। आपकी एग्ज़ाम कुछ इस महीने के एंड में बोर्ड द्वारा ली जा रही है छोटी सी, उसके अंदर दोस्तों आपको मदद मिलेगी, क्योंकि पहला और 15वां दो पाठ आने वाले हैं। चलिए दोस्तों चालू किया जाए प्रतिस्थापन की विधि। प्रतिस्थापन की विधि का व्यापक स्वरूप दोस्तों मेरे को आपको याद है, इसका व्यापक स्वरूप है AX प्लस BY बराबर C का स्वरूप। देखने में तो मुझे दोनों समीकरण सही लग रहे हैं, परंतु यहाँ पर मैं देख सकता हूँ बेटा कि यहाँ पर पॉइंट में दिया है। और तो दोस्तों यहाँ पर एक खासियत देखिए, पॉइंट के बाद एक संख्या, पॉइंट के बाद एक संख्या, पॉइंट के बाद एक संख्या, इसमें भी पॉइंट के बाद एक संख्या, इसमें भी पॉइंट के बाद एक संख्या, इसमें भी पॉइंट के बाद एक संख्या। तो एक काम कीजिए, सब में से पॉइंट को गायब कर दीजिए, समझिए है ही नहीं, तो मतलब क्या हो गया, यहाँ पर पॉइंट हटा दिया तो क्या बचा, 2x प्लस, इसका भी पॉइंट हटा दिया तो हो गया 3y बराबर 1.3, में से 3 पॉइंट हटाया 13 आ गया, इसको दे दिया समीकरण नंबर 1। दूसरे समीकरण को देखा, यहाँ पर दोस्तों इसमें से पॉइंट हटाया, 4x प्लस 5y बराबर 23 आ गया दोस्तों, 2.3 का 23, समीकरण नंबर 2। अब दोस्तों थोड़े से आज के दोनों सवाल टफ हैं, ध्यान देंगे। ऐसा समीकरण ढूंढना होता है जिसमें बेटा x अकेला हो, तो यहाँ मैं देख सकता हूँ ना पहले समीकरण में x अकेला है ना दूसरे में अकेला है। अब ऐसा कभी कभी हो जाता है कि जिसमें x अकेला ना हो, तो आपको फिर बेटा कोई भी समीकरण में x को अकेला करना चाहिए। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, जब किसी भी समीकरण में x अकेला ना हो, तो हमको किसी भी समीकरण में x को अकेला बनाने का, चलिए मैं पहले समीकरण में x को अकेला करना चाहता हूँ, प्लस का 3y दोस्तों मैं यहाँ ले जा रहा हूँ, प्लस का 3y वहाँ ले जाने पर दोस्तों मुझे चिन्ह मिल जाता है, प्लस का 3y यहाँ ले गया बेटा, मुझे चिन्ह मिल गया 2x बराबर 13 माइनस 3y। मुझे तो x चाहिए, तो x लेने के लिए इसको बट्टे में ले लिया, 13 माइनस 3y पूरे के बट्टे में 2। दोस्तों थोड़ा सा विचित्र उत्तर आ रहा है, लेकिन ऐसा ही है, वैसे ही होगा, और कोई इसकी रीति नहीं है। तो दोस्तों मैंने क्या किया, x बराबर 13 माइनस 3y बट्टे 2, x का तीसरा समीकरण आया। अब मैंने यह समीकरण एक से बनाया तो दो में लिखने का, दो से बनाया हो तो एक में, मैंने इसे समीकरण नंबर एक की मदद से बनाया तो दो में लिखूंगा। लिखा यहाँ पर x बराबर 13 माइनस 3y बट्टे 2, समीकरण नंबर कौन से में, दो में रखने पर, समीकरण दो है बड़ा, 4x प्लस 5y बराबर 23, 4 का 4 x की जगह पर जो मैंने मूल्य निकाला, 13 माइनस 3y पूरे के बट्टे में 2 प्लस का 5y बराबर 23। देख सकता हूँ 2 से 4 चले गया दो बार, 2 का गुणा कर दे रहा हूँ दोस्तों, अक्खा ब्रैकेट खोल कर, 13 दूनी 26 माइनस 3 दूनी हो गया 6y प्लस 5y बराबर आ गया मेरा 23। दोस्तों मुझे y चाहिए, पहले ये घटा लूँ मैं, 26 का 26 माइनस का 6y प्लस का 5y विरुद्ध चिन्ह, माइनस y बराबर 23 आ गया बड़ा, बड़ा 6y माइनस में इसलिए माइनस लिखा, प्लस का 6 उधर गया बड़ा माइनस में 26, तो माइनस y बराबर 23 माइनस 26, तो माइनस y बराबर 23 में से 26 गया माइनस 3, माइनस से माइनस गया, तो दोस्तों y बराबर कितना आ गया बड़ा मेरा 3। ये तो मेरा y आया, अभी x भी चाहिए, तो y बराबर 3 समीकरण नंबर एक, तीन में रखने पर, तीन में रखो, एक में कहीं पर भी रख सकते हो, तीन में रखो ज़्यादा अच्छा, x बराबर 13 माइनस 3y पूरे के बट्टे में 2, x बराबर 13 माइनस 3, y की जगह दोस्तों मैंने लिखा 3 पूरे के बट्टे में 2,
एक्स बराबर 13 माइनस 3 त्रिका 9 बटे में 2, तो एक्स बराबर 13 में से 9 गया 4 बटे 2, 2 दूनी 4, एक्स बराबर दोस्तों कितना आ गया मेरा 2। दिखने में थोड़ा सा दोस्तों टफ है, थोड़ी सी मेहनत करोगे तो आपको जरूर ये सवाल आ जाएगा। एक और सवाल ऐसा है, हम उसकी भी जरा प्रैक्टिस ले लें, बाद में दोस्तों हम आगे बात करेंगे। पहले ये दूसरा सवाल है दोस्तों, ये स्वाध्याय 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का छठा सवाल है। देखने में यहाँ बटे बटे दिख रहा है, इसको जरा ध्यान से करेंगे। सबसे पहले दोस्तों बटे हटाने के लिए चौकड़ी गुणा कर रहा हूँ, पर है इसका इसमें, इसका इसमें, नीचे नीचे का, बीच में माइनस से नीचे नीचे का होगा। ये हो गया बड़ा 3 त्रिका 9x माइनस 5 दूनी 10y बटे 3 दूनी 6 बराबर कितना आ गया, माइनस 2 आ गया। अभी तो ये बटा हटाना है, फिर से एक मान के फिर से चौकड़ी की जरूरत, इसका इसमें, इसका इसमें क्या हो गया, 9x माइनस 10y बराबर 6 दूनी आ गया माइनस का 12, दे दिया इसे समीकरण नंबर 1। अब दोस्तों इसको भी कर रहा हूँ मैं चौकड़ी गुणा, इसका इसमें, इसका इसमें, नीचे नीचे का ना भूलें, क्या हो गया बड़ा 2x प्लस 3y बटे 3 दूनी कितना हुआ 6 बराबर 13 बटे 6। दोस्तों 6 से 6 चले गया, बराबर है तो जा ही सकता है, हो गया दोस्तों अपना 2x प्लस 3y बराबर 13, समीकरण नंबर 2। ये तो दोस्तों मेरे दो समीकरण आए, अब ऐसा समीकरण ढूंढना है जिसमें x अकेला हो। बोलो पहले में x अकेला है कि दूसरे में, सर इसमें तो किसी में अकेला नहीं है, तुम्हारी मर्जी है उसमें ले लो। एक काम करो, पहले कोई अपने हमेशा कर दे, पहले को x को अकेला करो, माइनस का 10y यहाँ भेज दो प्लस में, कैसे हो गया 9x बराबर माइनस 12 अपने घर में प्लस का 10y आ गया। मुझे x चाहिए ऊपर का 9 बटे में भेज दो बड़ा, तो x बराबर माइनस 12 प्लस 10y पूरे के बटे में 9। ये दोस्तों इतनी मेहनत करने पे अभी बना समीकरण नंबर 3। आज दोनों समीकरण ऐसे दिए बड़ा जिसमें x अकेला है ही नहीं, तो ये थोड़ा टफ है, थोड़ा सा देख ले। अब ये सोचो ये समीकरण 3 किससे बनाया, 1 से बनाया कि 2 से बनाया, सर 1 से बनाया तो 2 में लिखो। चलो यहाँ लिखो x बराबर माइनस 12 प्लस 10y पूरे के बटे में 9 को समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है बड़ा अपने पास में 2x प्लस 3y बराबर 13। दोस्तों 2 का 2 x की जगह मूल्य लिखा, माइनस 12 प्लस 10y पूरे के बटे में 9 प्लस 3y बराबर 13, ये तो लोचा हो गया। अब ये 2 से 9 भी नहीं कट रहा है, एक काम करो कोई बात नहीं है, 2 का अक्ष में गुणा कर लो, 12 दूनी माइनस 24 प्लस 10 दूनी 20y पूरे के बटे में 9 प्लस का 3y बराबर कितना आ गया बड़ा 13। काम करो इसके नीचे एक मान के फिर से चौकड़ी करो, इसका इसमें, इसका इसमें, ध्यान देना थोड़ा सा टफ सवाल है, ध्यान देंगे। एक का इसमें करेंगे कुछ नहीं होगा, क्या आ गया माइनस 24 प्लस 20y प्लस 9 तिया कितना हो गया बड़ा 27y पूरे के बट्टे में 9 बराबर 13 आ गया। दोस्तों अभी एक काम करो, पहले या तो इसको छोटा कर लो, चलो पहले छोटा कर लेते हैं, क्या हो गया बड़ा, पहले एक काम करो इसके नीचे एक मान के चौकड़ी करो, फिर से क्या हुआ माइनस 24 प्लस 20y प्लस 27y बराबर 13, 9 117, बीच में बराबर है, नीचे नीचे नहीं हुआ, ये माइनस का 24 ऐसा कैसा, प्लस का 20y प्लस का 27y प्लस का 47y हो गया बराबर आ गया 117। मुझे चाहिए y, माइनस का 24y भी तो प्लस में 47y बराबर 117 प्लस का 24, तो 47y बराबर जोड़ लिया 141 आ गया। मुझे y चाहिए, y बराबर 141 अपॉन 47, 47 से 141 दोस्तों 3 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 3 बार, यानी दोस्तों मेरा y बराबर कितना आया 3। y बराबर 3 समीकरण नंबर 3 में रख देते, चलो 3 में क्या है समीकरण 3 में, x बराबर माइनस 12 प्लस 10, y की जगह कितना निकला 3 बटे में 9। चलिए x बराबर माइनस 12 प्लस 10 या 30 बटे में 9,
यानी एक्स बराबर घटाओ कर ले रहा हूँ दोस्तों, कितना हो गया घटाओ 18 बटे 9, 9 दुनी 18, यानी दोस्तों एक्स बराबर 2 आ गया और वाई बराबर 3। थोड़ा सा दोस्तों मैं जानता हूँ ये टफ था, लेकिन ये है, ये रीति भी कभी आ सकती है, इतना हार्ड सवाल भी, इसके प्रैक्टिस मैंने करा दिया। दोस्तों आज के जो दो सवाल मैंने दिए हैं वही दो सवाल कर ले रहा हूँ मैं, और कुछ नया नहीं ले रहा हूँ। अगली बार दोस्तों याद रखिएगा बड़ा, हमारे परसों एग्ज़ाम है, कल एग्ज़ाम है सॉरी मंगलवार को, हम मंगलवार को सुबह 10 बजे पेपर आएगा आपको 10:45 तक, उसे मेरे टेलीफोन नंबर यानी मेरा जो नंबर आप जानते हैं 93 वाला, उसी नंबर पर सेंड करना है। थैंक यू फ्रेंड्स, किसी और को सेंड ना करें। थैंक यू।